हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज अनिल वर्मा और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे रेसिडेंशियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी। मैं बात करने जा रहा हूँ बीपीटीपी अमस्टोरिया की, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी तक की सबसे बेस्ट प्लॉटेड आपको एक डेवलपमेंट मिलती है। मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से भी इसको कनेक्टिविटी मिलती है। जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है 75 मीटर वाइड, वहाँ से भी इसको कनेक्टिविटी मिलती है। साथ ही साथ एक 60 मीटर की रोड जाती है तीसरी साइड से, जो कि आपके द्वारका एक्सप्रेसवे से निकल के जो 75 मीटर की अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है उसको कनेक्ट करती है। तो वहाँ से भी इस सिटी के अंदर, इस टाउनशिप के अंदर आपको एक एंट्री मिलती है। तो अभी तक की सबसे बेस्ट प्लॉटेड टाउनशिप जो है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उसको बीपीटीपी अमस्टोरिया के नाम से ही जाना जाता है। और बीपीटीपी अमस्टोरिया में बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड जनरेट हुई है प्लॉट्स में। पिछले दो से ढाई साल के अंदर ऑलमोस्ट वहाँ पे जो प्राइसेज है वो डबल हो चुके हैं। अगर आप रीसेल में भी प्लॉट्स खरीदने जाते हैं तो 3 लाख से ऊपर का प्राइस मांगना स्टार्ट कर दिया है रीसेल में। और उसी ही टाउनशिप के अंदर डेवलपर उससे काफ़ी नीचे के प्राइसेस में कुछ यूनिट्स लेकर आ रहा है। हमारे पास पहले भी बहुत कॉल्स आई है, लेकिन उसमें से जो मेजर इन्वेस्टर थे, मेजर बायर थे, वो छोटे प्लॉट्स देख रहे थे। तो अब बीपीटीपी ने 189 स्क्वायर यार्ड से लेकर 225, 250 इस तरह के प्लॉट्स निकालने का प्लान किया है। और बहुत ही कम टाइम के लिए उसमें कुछ एक इनॉग्रल डिस्काउंट जिसको कहते हैं वो भी लेके आए हैं। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए वो ऑफर्स हैं और बहुत ही कम प्लॉट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी इन्वेंट्री है, बहुत कम प्लॉट्स हैं। और आपने जैसा देखा भी होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत ही ज़बरदस्त प्रीमियम कमांड करते हैं प्लॉट्स। एक तो वहाँ पे ऑप्शंस ही बहुत कम है, मैक्सिमम जो ऑप्शंस हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। मैक्सिमम जो इन्वेंट्री है अब आपको रीसेल में ही मिलती है। वहां पर अगर आपको डेवलपर प्लॉट्स रेजिडेंशियल के देता है और वो भी रीसेल के प्राइस से काफी कम, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन यू कैन टेक राइट नाउ। बात करें टाउनशिप की, तो 150 से 200 एकड़ के बीच की ये टाउनशिप है। एक ऐसी टाउनशिप है जिसके अंदर आपको कमर्शियल भी मिलता है, एक प्रॉपर क्लब हाउस भी मिलता है, आपको विलास के ऑप्शन भी मिलते हैं, आपको लो राइज फ्लोर्स भी मिलते हैं। तो टोटल जो डेवलपमेंट है ये 180 से 200 एकड़ की, ये टोटल लो राइज डेवलपमेंट्स है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि कोई हाई राइज बना है जिसकी वजह से आपके व्यूज़ ख़राब होते हो, फ्लोर के विलास के व्यू ख़राब होते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल आपकी ये लो राइज डेवलपमेंट ही है। फ्रंट में इसमें कमर्शियल भी लगेगा, उसमें हो सकता है ये मार्केट्स लेके आए, हो सकता है एसयू प्लॉट्स लेके आए, वो तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। रोड्स की बात करें, इंटरनल रोड्स जो हैं उसकी बात करें, तो इसमें आपको 12 मीटर्स की भी रोड मिलती है, इसमें आपको 15 मीटर्स की भी रोड मिलती है, इसमें आपको 18 मीटर्स और 24 मीटर्स की रोड भी मिलती है। तो इंटरनल रोड्स जो हैं वो काफ़ी वाइड एंड ओपन है बहुत जगह पर। इसमें मतलब आप समझिए कि थोड़े थोड़े इंटरवल पर इसमें ग्रीन पार्क्स भी क्रिएट किए गए हैं। तो बहुत ही अच्छी टाउनशिप वाली फील आती है, एक लग्जरी टाउनशिप जो फील होती है। जैसे आपका डीएलएफ अल्मेडा है, जब आप उसको देखते हो तो आपको एक वाव फैक्टर आता है कि यार ये टाउनशिप है एक, मतलब जिसको लग्जरी टाउनशिप कहते हैं वो डीएलएफ अल्मेडा लगता है। द सेम वे द्वारका एक्सप्रेसवे पे बीपीटीपी अमस्टोरिया से बढ़िया प्लॉटेड टाउनशिप अभी तक नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर अ टाइम बीइंग इसमें अभी आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। प्राइस मैं आपको बता देता हूं, जो आपका रीसेल का प्राइस है उससे भी काफ़ी नीचे हैं। पेमेंट प्लान भी आपका 6 महीने का इसमें पेमेंट प्लान मिलता है। तो हर तरह से डेवलपर ने इन्वेस्टर्स को या प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनको इसमें लिबर्टी दी है कि अगर आप खरीदते हैं एक तो आपको रेट भी कम मिलता है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको पेमेंट करने के लिए भी एक जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा टाइम आपको मिल जाता है, जो कि नॉर्मली मार्केट में आपका 1.5 महीने से लेकर 2 महीने के आसपास ही रहता है। इसके अलावा इसमें जैसे लो राइज फ्लोर्स हैं उसके ऑप्शंस भी बीच बीच में आते रहते हैं। डेवलपर के पास कुछ इन्वेंट्रीज पड़ी हुई थी पीछे, तो अगर आप 3 BHK लो राइज फ्लोर्स हैं अगर वो भी देख रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमें एक बार पूछ सकते हैं। अगर हमारे पास इन्वेंट्री आएगी डेवलपर की तरफ से तो हम डेफिनेटली आपके साथ उसको शेयर कर सकते हैं। हाँ, विलास के ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं जो कि अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, तो वो रीसेल में एक बार हम ट्राई कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आपको बीपीटीपी अमस्टोरिया के अंदर जाना है तो प्लॉट्स के साथ साथ आप फ्लोर्स और विलास ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।
लेकिन फिलहाल अभी आज की डेट में BPTP उसमें प्लॉट्स लेकर ही आ रहा है और काफ़ी अच्छे ऑफर्स हैं। उन ऑफर्स को अवेल करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स मैंशन ऑन दिस YouTube वीडियो स्क्रीन। और लोकेशन अपने आप में बहुत ही प्रीमियम है, 1100 एकड़ की जो आपकी ग्लोबल सिटी है वो वहाँ से जस्ट आपका 3 से 4 मिनट की ड्राइव पर ही आपको मिलती है। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है IGI एयरपोर्ट है वो भी वहाँ से आपको 10 से 12 मीटर की ड्राइव पे मिलता है। आपका दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है द्वारका के थ्रू या शिवमूर्ति के लिए, तो एलिवेटेड कॉरिडोर्स के साथ आप मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट के अंदर आप दिल्ली पहुँच जाओगे। तो सेंट्रली लोकेटेड ये टाउनशिप है जहाँ से आप गुड़गांव के हर कोने में पहुँच सकते हो, दिल्ली के हर कोने में पहुँच सकते हो। और शायद इसी वजह से कि एक तो वेल प्लेस्ड लोकेशन है, आपको 150 मीटर की जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो भी एंट्री मिलती है, वहाँ से मिलती है, फिर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे वहाँ से भी मिलती है, 60 मीटर से भी मिलती है। एक तो वेल लोकेटेड है, साथ ही साथ ऐसी लोकेशन है जहाँ से आप दिल्ली और गुड़गांव के हर कोने में पहुँच सकते हैं। इसी वजह से शायद ये टाउनशिप आज सबसे ज़्यादा डिमांड वाली टाउनशिप बन गई है। तो इन शॉर्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट these upcoming plots, you can contact us. Thank you very much for your time.